गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप लोग के हाल चाल बढ़िया चंगा स्वस्थ मस्त बेहतर बताइए क्या हाल चाल ठीक है? है कैसे हैं आप लोग बताइए ठीक है स्वस्थ है मस्त है कुमारी सपना शुगन कुमारी और कहाँ गायब हो गए लोग पहले से जब शेड्यूल है क्लास होने वाला है तो तो सभी लोगों को आना चाहिए। तो आप लोग बिहार है? है। है? तो वो पढ़ाने जाऊंगा दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा हमारे क्लास में कि मेरे को ध्यान से सुनिएगा आई प्रोमिस टू यू यदि आपने मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक आपका एक भी प्रश्न छूट जाएगा आपके एग्जाम में उसकी गारंटी हमारी एक प्रश्न नहीं छूटेगा एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा से हम सब सीखेंगे कैसे तो क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए जल्दी बताइए गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रतिमा जी जी सपना सुगन जी, जी आ, सुगन कुमारी हाँ बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं क्यों भाई सबको दिखना चाहिए हाँ कहाँ गायब हो गए हैं सबको आना चाहिए गुड इवनिंग जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आ जाइएगा डेली ठीक है ना टाइम से आ जाइएगा मेरा यही टाइमिंग रहेगा तो पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन हिस्ट्री से कितने आते हैं तो कल मैंने आपसे बताया था फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक होता है कौन सा आधुनिक भारत आधुनिक भारत दूसरा होता है कौन सा मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत और तीसरा होता है मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे यार कौन सा जल्दी बताओ प्राचीन ये तीन मेरे दोस्तों ये तीनों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है तो याद कर लीजिएगा वो पूछा जाता है इससे 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 अराउंड क्वेश्चन 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 आते 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 हैं 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 और, और तीन आते हैं. तो जो मेरा सेक्शन है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं मेरे दोस्त वो है मध्यकालीन भारत मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ाने जा रहे हैं सिर्फ मध्यकालीन भारत नहीं बल्कि पूरे मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे यह वह काल है मध्यकालीन इतिहास इस वक्त भारत के ऊपर मुगलों ने या मुगलों के साथ साथ मुस्लिम सांप्रदायिक मतलब लाइक इस्लाम ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए भरसक प्रयास किया है देखेंगे आखिर क्यों किया है कैसे किया है इस सबको हम समझेंगे सीखेंगे जानेंगे और आज तक जो आपके मन में व्यथा और कहानियां आप नहीं समझ रहे थे उसको हम सिखाएंगे दो तरीके से एक मैप और दूसरा कहानी मेरा एक पढ़ाने का अपना जोनर है उस जोनर में मैं स्टोरी ज्यादा बताता हूं और स्टोरी के हिसाब से कॉन्सेप्ट और मैप पे आपको याद कराने का प्रयास करूंगा लेकिन एक आपसे प्रॉमिस चाहिए कि हमारे पूरे क्लास को शुरू से लास्ट तक देखेंगे आप यदि बीच में से देखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि स्टोरी कॉन्सेप्ट इन तीनों को जोड़कर मैं पढ़ाता हूँ ठीक है ना तो चलिए मेरा कौन सा सेक्शन है दोस्तों मध्यकालीन भारत यदि आप इतिहास को देखेंगे तो ये तीन सेक्शन में इतिहास होता है प्राचीन इतिहास

सात सौ से पंद्रह सौ छब्बीस को मध्यकालीन इतिहास कहते सुनिएगा आपको याद हो जाएगा आई प्रोमिस टू यू हम आपकी कहानी आपको याद करा के जाएंगे घर बड़ाना नहीं है तो सात सौ ईस्वी से लेकर पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी तक आधुनिक बात छब्बीस के बाद कहीं गई सत्रह सो सत्तावन से सत्रह से उन्नीस तक की कहानी को कहा जाता है और बाकी इसके पहले की सारी स्टोरी जो बीती हुई स्टोरी है उसको प्राचीन इतिहास में ऐड किया जाता है अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास यानी मेडाइवल हिस्ट्री मेडाइवल हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन से जब आप पढ़ रहे होते हैं जब आप जान रहे होते हैं तो मेरे भाईयों आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आप मेडाइवल हिस्ट्री है क्या मेडाइल हिस्ट्री में मेन सोर्स क्या रहा आप इंडिया को देखेंगे तो किसी इंडिया के राइटर किसी एक लेखक के बारे में बताइए जो आपको इंडिया के बारे में इंडिया का राइटर हो और मध्यकालीन भारत को लिखा हो तो रेयर एंड रेयर मिलेंगे क्यों कारण क्या था बताएंगे व्हाट वॉज द कोजेज क्यों मध्यकालीन इतिहास यानी मेडाइवल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं मध्यकालीन इतिहास के बारे में अभी आप हमारी पूरी कहानी आज सुनेंगे ध्यान से मैंने क्या कहा 700 से लेके 700 सौ से लेके और 1526 तक यही बात कहा था ना बताइए इसी को कहा था ना इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं 700 से लेके 1526 तक गुड इवनिंग आदित्य जी तो आखिर ऐसा क्या था कि 700 से लेके 1526 तक और हम क्यों 700 से ही मानते हैं वट वॉज द रीजन क्या रीजन है क्या कारण है कोई बताएगा नहीं इस्लाम यदि आप मध्यकालीन इतिहास मेडायबल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे मेजर सेक्शन इस्लाम हो जाता है कौन सा होता है मेरे भाई इस्लाम क्यों इस्लाम हो जाता है सात सौ ईस्पी के आसपास ही इस्लाम का उद्गार हुआ सवाल आता है कि इस्लाम का उद्गार हुआ तो सबसे मेन सेक्शन क्या हो गया इस्लाम हो गया यानी ये, ये कह सकते हैं आप एक लाइन में बात कही कि मध्यकालीन भारत का सीधा संबंध इस्लाम से है सीधा संबंध इस्लाम से है हम आपको एक मैप दिखाते हुए समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम यह बात क्यों कह रहे हैं मैप आपको दिखाते हुए बताएंगे आप आप तो होंगे दिख रहा है बताइए दिख रहा होगा आपको दिक्कत होगा बता दीजिएगा अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें इस्लाम का उत्पत्ति 700 के आसपास कहां हुआ है बताएंगे जल्दी बोलिए कोई बताएगा कहां हुआ है इस पूरे क्षेत्र में किस क्षेत्र में हुआ है बताइए पूरा आपको मैप दिख रहा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप है तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा अरे अरब के साइड में अरब के साइड में है ना यानी ये क्षेत्र है और इसके बाद ये कजाकिस्तान ये आप पूरा क्षेत्र देखेंगे कजाकिस्तान ईरान इराक ये सब जो क्षेत्र है ये कौन सा है इस्लामिक है इस्लामिक है ना, है और इस क्षेत्र में इधर आके आप देखेंगे तो इस्लाम इधर और इधर पनपा है इन दोनों जगहों पे इस्लाम का अपना वर्चस्व रहा है फिर धीरे 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 फैला है और फैलते हुए ऐसे आया है भारत में डायरेक्ट नहीं आया कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया कैसे पहुंचा है मेरे भाई

बताएंगे पहले तो इस्लाम के बारे में आज नहीं जानेंगे आज हम आपको बताएंगे क्या चीज तो मेरे भाई आज हम आपको बता रहे होंगे भारत में मैं आपसे तो पूछूंगा ये भारत है ध्यान से रखिएगा ध्यान से देखिएगा मेरा मैप है ना और मैं आपसे तो मान लीजिए भारत है ये मैं आपसे पूछूं कि इस भारत में सबसे पहला इस्लामिक वॉर मतलब इस्लामिक अटैक कब कब हुआ हुआ था था तो आप क्या बताएंगे जल्दी बताइए आपको पता है इस्लामिकारह ईस्वी में किधर से से हुआ हुआ था तो इस साइड सात सौ बारह ईस्वी में किसने किया था जल्दी बताओ मोहम्मद बिन कासिम कौन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद बिन शाम आता है मोहम्मद बिन कासिम आता है ये दोनों नाम इसी का है मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद बिन शाम आप जानते है हैं या नहीं जानते हैं जल्दी बताइए कंफर्म करिए मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन साम इसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे यारों अरबों का आक्रमण था यह यह आक्रमण अरबों का था क्यों अरबियन साइड से ही आए थे पता है आपको ध्यान से हमारी कहानी को सुनिए नहीं दिख रहा था दिख जाएगा समझ में आ जाएगा मैं मैं बना बना कर दिखाऊंगा ठीक है ना भाइयों यारों दोस्तों ये बात नहीं जानते हैं सुगन कह रहे हैं तो ध्यान से सुनिए आप सब जान जाएंगे एक एक शब्द को बस आपको ध्यान से सुनना है आपको पूरा कहानी पूरा स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ना चलिए दोस्तों ये 700 सौ है 700 सौ की बात की जा रही है आप इस्लाम कब सबसे पहले पनपा था सात सौ बारह सात बारह प्रतिमा जी नोट सत्रह बारह इट इज सात सो बारह सेवन हंड्रेड ट्वेल्व ध्यान से सुनिए भाइयों इस्लाम सबसे पहले कहा जो लोग इस्लाम को जानते होंगे उनको पता होगा पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद साहब से इस्लाम शुरू हुआ अभी हम थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे रहे हैं कल लिखवाएंगे आज कोई लिखेगा नहीं बस ध्यान से सुनेगा एक एक कहानी को ये पैगंबर मोहम्मद साहब है यदि आपको इनके बारे में जानकारी हो तो पांच सौ में इनका जन्म होता है छे सौ में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और छह सौ बारह ईस्वी में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यह इस ज्ञान की प्राप्ति के बारे में सबसे पहले किसको बताते हैं तो अपने बीवी को बताते हैं है ना में सॉरी 610 में 12 नहीं 610 610 में तो भारत आएगा पैगंबर मोहम्मद साहब एक व्यक्ति थे प्राप्ति मतलब होती है पिताजी मर गए थे उनके चाचा जिनका नाम अबू तालिब था वो उनको पाल रहे थे दोस्तों कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति अकेले में होती है ऐसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब बड़े ही दिल के साफ निश्चल व्यक्ति हुआ करते थे और ये अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक बार घूम रहे थे हीरा गुफा हीरा केव एक जगह जगह था उस उस पे गए और जाकर बैठ कर ये आंख बंद करके अपने बारे में सोच रहे थे कि कि कैसे मैं अपने आप एक्सप्लोर करूंगा करूंगा बेहतर करूंगा। और जब ये सोच रहे थे तो वो कहते हैं मुझे अल्लाह से मुलाकात हुआ पैगम्बर मोहम्मद साहब और उन्होंने उनको ज्ञान की प्राप्ति किया उन्होंने बताया कि ज्ञान ये है सत्य ये है और मैं तुमको बताता हूं तुम जाओ यह एक इस्लाम धर्म है और घूम घूम कर इसका प्रचार करो तुम पूरे दुनिया में

और जानते हैं जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है ना तो वो बहुत ही नॉर्मल बहुत ही स्वाभाविक तौर पर एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है वैसे ही पैगम्बर मोहम्मद साहब एकदम शांत स्वभाव से रहने वाले व्यक्ति हो गए थे दोस्तों हुआ यूं कि जब मान लीजिए कि कोई धर्म पनपता है तो उससे पहले जो धर्म रहता है उसको दिक्कत होने लगता है ये बात आप जानते हैं नॉर्मल सा ये बात सुनिए कि दस आदमी है दस आदमी में नौ आदमी पढ़ा लिखा है दसवा आदमी एक नया आ जाता है पढ़ा जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो क्या करेगा आदमी पकड़ के पैर खींचना स्टार्ट कर देगा इज इट क्लियर उसी तरह पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद साहब लगे बताने सबको कि हमको अल्लाह ने पैगंबर हमको अल्लाह ने हमसे मिले हैं अल्लाह ने कहा है कि तुम हमारे परिंदे हो तुम हमारे व्यक्ति हो तुम जाओ लोगों को बताओ कि ज्ञान यह होता है बहुत ही स्वभाव से

आपको पसंद है ना ऐसे सुनना या लिखना दोनों में से जल्दी बताइए आप जो बताएंगे उसके हिसाब से हम बताएंगे आप कहेंगे तो मैं लिखवाऊंगा आप कहेंगे तो मैं कहानी पढ़ाऊंगा उसके बाद लिखवाऊंगा कहानी बताऊंगा उसके बाद लिखवाऊंगा जल्दी स्टोरी स्टोरी लिखना है स्टोरी सुनना है तो स्टोरी लिखिए और स्टोरी लिखना है सुनना है तो स्टोरी लिखिए और लिखना है मतलब लिखना चाहते हैं तो बताइए हम लिखवा देंगे जल्दी लिखिए कमेंट करिए उसके हिसाब से हम आगे लेकर चलेंगे सुनना फिर लिखना सभी लोग बताइए आपका राय क्या है होना चाहिए भाई फिर हम कहानी पढ़ाएंगे जल्दी बताइए क्लियर कहानी बताएं सर समझते हुए एस कुमार गुप्ता चलिए एस कुमारी गुप्ता ठीक है अभी तो ठीक लग रहा है ना जिससे मैं बता रहा हूं आपको तो सुनिए अब ध्यान से कोई कलम कॉपी नहीं उठाएगा चुपचाप कान में ईयरफोन लगा के ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना है उसके बाद अरे नहीं आदित्य जी लाल चाय बना दिए तो दूध ले आते हैं क्या दिक्कत था दूध लेकर आ जाते हैं। नहीं मेरे दोस्त आप बीपीएससी के अभी प्री मेंस बैच में आए तब आपको पता चलेगा जो हमारे प्री मेंस बैच वाले होंगे उनसे पूछिएगा वो बता देंगे मैं इकोनॉमिक्स तक स्टोरी से पढ़ाता हूँ तो चलिए अब हम सुनते हैं कहानी तो हुआ क्या भाई की अजये नए पे पैगंबर मोहम्मद साहब 570 जन्म हुआ इनका है ना और 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ भाइयों जन्म और ये ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति जब हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम के बारे में इस्लाम के उदय के बारे में हम बता रहे हैं जब ज्ञान प्राप्ति हुआ मेरे भाइयों तो ये घूम घूम कर बताने लगे क्योंकि अल्लाह ने इनसे कहा था कि आप सेनापति हैं आपको घूम के के अपने धर्म के बारे में बताना है कि आपको कैसे पढ़ना है आप ये धर्म धर्म क्यों क्यों जरूरी है अभी क्यों है अभी सबसे ज्यादा इस की जरूरत इसके बारे में आपको जनाना, बताना है सबको बे, बेचारे पैगम्बर मोहम्मद साहब घूम घूम कर बताने लगे और मैंने फिर कहा कि जिसको गैन है ना सर मैथ्स का क्लास कब होगा एस कुमारी गुप्ता जी मैथ्स जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है दिल्ली के टॉप टीचर और सिलेक्टेड है अभी वो आईसीआर में असिस्टेंट साइंटिस्ट है वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और वो भी तीन चार दिन में मंडे के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा दीपक सर मेरे मित्र हैं सिलेक्टेड है और अभी आईसीआर में असिस्टेंट साइंटिस्ट हैं वो पढ़ाएंगे आपको मैथ्स एकदम तुरंत स्टार्ट होने वाला है मंडे के आसपास से शुरू हो जाएगा ठीक है अभी जितने टीचर आपको पढ़ाएंगे वो लगभग सिलेक्टेड पढ़ाएंगे ठीक है आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि आपको पटना में वैसे टीचर पढ़ा पाएंगे आइए तो 610 सौ ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति, की प्राप्ति तो ये पहले से एक धर्म हुआ करता था इन्हीं के समय में जुड़ाए जब आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे नहीं जानते हैं तो जान लीजिए तो जब भी कोई नया धर्म आता है तो पुराने धर्म को दिक्कत होने लगता है तो लोग इनको परेशान करने लगे उन लोगों को क्या था कि कैसे ये व्यक्ति एग्जिस्ट कर जा रहा है कैसे ये व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है कैसे ये व्यक्ति धीरे धीरे पनप रहा है पैगंबर मोहम्मद साहब के पैगंबर मोहम्मद साहब बड़े सालीन शांत व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति होता है वो वैसे ही शांत हो जाता है शांत व्यक्ति चुपचाप सुन रहे थे कोई कुछ बोल भी देता था तो नहीं उसका जवाब नहीं देना ऐसे ही व्यक्ति हुआ करते थे पैगंबर मोहम्मद साहब एकदम मतलब एक वक्त ऐसा आ गया कि मोहम्मद साहब को लोग ढेला मारने लगे ईटा मारने लगे चिढ़ाने लगे भगाने लगे पैगंबर मोहम्मद साहब 622 सौ में छे सौ बाईस ईस्वी में मक्का छोड़ के मदीना चले गए मक्का जहां इनका जन्म हुआ था जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो मक्का से मदीना चले गए मक्का से मदीना चले गए लोग क्या कर रहे थे लोग यहाँ पे जो जुडाइजम धर्म वाले लोग थे इनको परेशान करने लग गए थे तो मक्का से छोड़कर मदीना चले गए दोस्तों जब ये मक्का से मदीना गए तो बड़ा परेशान मतलब लोग लोगों को ये था कि भाई कैसे ये धीरे धीरे ग्रो कर गया इस्लाम के बारे में बताने लग गए लोग को इस्लाम पसंद आने लग गया हुआ यू कि मक्का से जब मदीना गए हाँ प्रतिमा जी बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह होता ही ऐसा है जब भी कोई व्यक्ति के पास ज्ञान की प्राप्ति होती है ना धर्म से अलग होकर देखेगा तो धर्म फालतू बात है कोई भी धर्म गलत नहीं कहता हर धर्म के अनुयायी हर धर्म के समर्थक हर धर्म को समझने वाले लोग कभी किसी के बारे में बुरा कह ही नहीं सकते हैं हम आपको डेमसी और लिख कर देते हैं इस बात की जानकारी यदि आपको इसकी आप कोई ऐसा कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है फरेबी कर रहा है और कुछ बात नहीं ध्यान रखिएगा तो पैगंबर मोहम्मद साहब को परेशान करने लग गया ध्यान से सुनेगा स्टोरी पैगंबर मोहम्मद साहब बड़े परेशान होकर मक्का से मदीना चले गए इसको हिजरी संबत भी कहते हैं हिजरी सम्मत इसी के टर्म को हिजरी संबत कहा जाता है क्या कहा जाता है हिजरी सम्मत है ना लिखवाएंगे भी हम वैसे लिखवाएंगे हिजरी संबत कहा जाता है ध्यान रखिएगा मक्का से मदीना जाने वाला टर्म है इसी को इस्लाम में हिजरी संबत कहा जाता है ठीक है ना तो ऐसा हो गया अब उसके बाद जो जुडाइजम धर्म पहले से था जो पैगंबर मोहम्मद साहब को परेशान कर रहा था तो तो वो उसके ना कुछ लोगों ने जैसे नहीं प्रबुद्ध लोग होते हैं ज्ञानी हम तो इसको परेशान कर देंगे क्या ही कर लेगा ये इसको तो रुला देंगे हम देखिएगा है ना रुला देंगे हम ठीक तो परेशान कर देंगे ऐसा तो हुआ क्या कि एक व्यक्ति एक बहुत तेज बनने वाला व्यक्ति गया पैगंबर मोहम्मद साहब को परेशान करने तो पैगंबर मोहम्मद साहब भीख मांग के भीख कहिए या मांग मांग कर खाते थे क्योंकि काम तो करते नहीं थे तो मांग मांग कर खाते थे सिर्फ वो भी इनका कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ अपने लिए ही मांगते थे अपने अलावा किसी और के लिए नहीं मांगते थे यानी एक दिन जितना खाना है उससे ज्यादा वो मांगते ही नहीं थे जैसे ही आज के खाने के बराबर उनको भीख मिल जाता था उसके बाद वो मांगना छोड़ देते थे और एक छोटा सा कुटिया बनाकर अलग रहते थे अपने धर्म का उद्गार करते थे धर्म के बारे में लोगों से बताते थे समझ गए तो ऐसा ही हुआ तो ये व्यक्ति धर्म का एक व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति था उसने कहा देखो हम जाते हैं इसका धर्म नाश कर देंगे ये व्यक्ति इतना सीधा कैसे है जी कैसे सीधा है किसी के बारे में उल्टा करता ही नहीं है तो व्यक्ति गया और जाके इनके यहां भीख मांगा कि भीख दीजिए हमको भूख लगाए हमको खाना पैगंबर मोहम्मद साहब डेली की तरह अपने लिए ही खाना बनाए थे और बना के रखे थे पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना खाना सोचे कि ज्ञानी ज्ञानी होता है ज्ञानी के यहां से आप कैसे किसी व्यक्ति के यहां से भूखा चला जाएगा

वो बोलने वाला था कि अब हम जैसे ही ये नाराज हो जाएंगे गुस्सा हो जाएगा बताओ हम इसको खाना खिलाई हमको ही कह रहा है तो इसका धर्म टूट जाएगा सब लोग कहते हैं बड़ा शालीन रहता है बड़ा शांत रहता है ज्ञानी है धर्मात्मा है कैसे ये धर्मात्मा है कैसे ये ज्ञानी है जब गुस्सा हो जाएगा इसका धर्म टूट जाएगा बात खत्म ज्ञानी ज्ञानी होते हैं पैगम्बर मोहम्मद साहब थे जैसे ही ये व्यक्ति घूम घूम कर इनके घरों में लैटरिन किया गंदा गंदगी फैलाया पैगम्बर मोहम्मद साहब ने हाथ जोड़ा और कहा तो लगता है मेरे अतिथि महोदय हमसे कुछ गलती हो गई है भूल हो गई है हमने ही गलत खाना खिला दिया होगा तो आपका पेट खराब हो गया हम इसके लिए आपके सामने क्षमा चाहते हैं उसके बोलने से पहले पैगम्बर मोहम्मद साहब ने कह दिया जैसे ये बात कहा वो व्यक्ति हतप्रभ रह गया कि बताओ हम तो उसको चिढ़ाने आए थे ये व्यक्ति इतना पे भी नहीं चिढ़ा और कहा जाता है कि उस, उसने तुरंत इस्लाम धर्म ज्वाइन कर लिया और तब इस्लाम धर्म का धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ और इस्लाम धर्म पहले मक्का से मदीना में मदीना से नॉर्थ अमेरिका अमेरिका अफ्रीका इन सब को फैलते हुए आप देखेंगे कजाकिस्तान कजाकिस्तान ना, अरब अरब सागर से होते हुए बगदाद इराक ईरान कजाकिस्तान पाकिस्तान ये सब होते हुए तब भारत सात सौ बारह ईस्वी में पहुंचा तो आप इस मामले को समझ गए कि इस्लाम का उद्गार कैसे हुआ किसने इस्लाम का उद्गार किया और कैसे इस्लाम ये धीरे 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 आगे बढ़ा ये बात आप समझ गए यस और नो जल्दी बताइए इज इट ओके और नॉट जल्दी बताइए क्या कहानी क्लियर है तो पहले लिखवा दिया जाए जल्दी बताइए या पहले भारत पे अटैक करवाया जाए बोलिए जल्दी इस्लाम को भारत पे पहले ला दिया जाए या इस्लाम कैसे पनपा इनकी पूरी कहानी कंप्लीट करा दी जाए फटाफट क्विकली बताएंगे कमेंट करिए उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा लिखवा दिया जाए अरे पाकिस्तान नहीं था वो भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान नहीं था अरे पाकिस्तान नहीं था भाई भारत का हिस्सा था हम समझ रहे हैं तो चलिए ऊपर लिख लीजिएगा इस्लाम इस्लाम लिख लीजिएगा और हम लिख पूरा लिखवा देते हैं इसको मिटा दीजिए एक एक लाइन लिखवा देते हैं ठीक है इस्लाम लिख लीजिए इस्लाम धर्म ऐसे लिख लीजिए ठीक है पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ भाई जन्म कब हुआ जल्दी बताओ जन्म पांच है ना इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति जल्दी बताओ ऐसे ही लिखना जैसे हम लिख रहे हैं याद हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ 610 सौ में ठीक है ना और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपनी बीबी को सबसे पहले किसको बताया सबसे पहले अपने बीबी को है ना सबसे पहले किसको अपनी बीबी अपनी पत्नी अपनी पत्नी को बताया अपनी पत्नी को इसकी जानकारी दिया और पत्नी का नाम क्या था खादीजा और हादीजा दोनों मिलता है ध्यान रखिए खादीजा और हादीजा दोनों लिखता मिलता है खादीजा बेगम लिख लीजिए है ना खादीजा बेगम क्या होगा लिख दिया जाए ठीक है खादीजा बेगम लिखिए हादीजा भी कहीं कहीं मिलता है खादीजा बेगम खादीजा बेगम ना इनकी पुत्री थी उसका नाम क्या था इनकी पुत्री पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था जल्दी बताओ पुत्री और दामाद ये दोनों का नाम तो दामाद का नाम अली था जो इनके सेवक थे जो इनके लास्ट टाइम तक इनके साथ रहे और पुत्री का नाम फातिमा था क्या था फातिमा था ध्यान रखना पुत्री का नाम फातिमा था ये पूछता है ध्यान रखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित एक आध दो प्रश्न आ ही जाते हैं ध्यान रखिएगा है ना कबीला किस कलीब कबीला के थे बताएंगे कबीला का नाम क्या है जिस कबीला से आते थे उस कबीला का नाम क्या है इनके कबीला का नाम क्या है तो मेरे भाई कबीला का नाम कुरैसी था कुरैसी कौन से कबीला के थे कुरैसी और कबीला का मतलब क्या होता है यह भी हम आपको समझाएंगे अच्छे से आगे चलकर अभी नहीं बल्कि आगे चलकर पढ़ाएंगे कि कबीला का मतलब बेसिकली क्या होता है क्या होता है कबीला उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था पिता का नाम कोई बताएगा माता का नाम बताएगा चाचा का नाम बताएगा कोई बताइए पिता का नाम क्या था कोई जानता है माता का नाम था अमीना 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 पिता का नाम क्या था अब्दुल्ला क्या नाम था भाई बताएंगे पिता का नाम अब्दुल्ला है ना अब अब्दुल्ला ये सब याद कर लेना है अब्दुल्ला और चाचा जिन्होंने इसको इनको पाला था अबू तालिब अबू तालिब नहीं इनको पाला था क्योंकि इनके जन्म के बाद इनके पिता इनके पिता क्या नाम अबू जहल भी इनके एक चाचा थे दो चाचा थे अबू जह, जहल जहल अबू जहल इनका नाम था है ना ओहो क्या हो गया एक सेकंड अबू जहल क्या नाम था इनका ध्यान रखिएगा इनका क्या नाम था अबू तालिब इन्होंने ही इनको पाला है पैगंबर मोहम्मद साहब को पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है ये क्वेश्चन आता है गलती नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा 610 सौ दस में अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा यहाँ जो आपके काम का है यही से क्लियर हो जाएगा एक सेकंड कलर चेंज करके आपको लिख देते हैं है ना छे नहीं छे तो ठीक है पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद बताएंगे फटाफट इसको लिखिए जस्ट राइट डाउन ठीक है जल्दी जल्दी बताइए लिख कर तुरंत बताइए फिर आगे बढ़ चलिए हो गया आइए क्लियर क्लियर सब लोग अब आइए अगला पॉइंट लिखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है जो मैंने आपको बताया कि 610 610 से ज्ञान की प्राप्ति हुई और 622 में ये कहा गए 622 सो ईस्वी में ये मक्का से मदीना गए मक्का से मदीना मक्का से मदीना गए मदीना गए मैंने आपको बताया और ये 610 से 610 बाइस का जो टेन्योर है इसी को क्या कहते हैं हिजरी इसको हिजरी संबत कहा जाता है जो इस्लाम में है हिजरी हिजरी लिखो फटाफट लिख लो एक एक जैसे जैसे स्टोरी की तरह बताते हैं वैसे याद हो जाना चाहिए हम कब पूछ देते हैं इसको हिजरी संबत कहते हैं पता नहीं चलता फिर ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा गलती नहीं होना चाहिए गलती होगा हम क्लास में कभी भी किसी टाइम में भी पूछ देते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है ना ठीक अब एक बात और मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है ध्यान रखेगा मोहम्मद साहब के बारे में एक बात और कहा जाता है कि मोहम्मद साहब इसके बाद क्या बने तो सेनापति बने ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि किताबों में चर्चा है जो हम बता रहे हैं आपको और कहा जाता है कि सेनापति इस्लाम के सेनापति बने इस्लाम के सेनापति बने ये है ना और सेनापति बनने के बाद सेनापति बने खुद भी कहे हैं और उसके बाद इन्होंने मक्का के, के ऊपर अटैक किया मक्का के ऊपर आक्रमण किया और जीता मक्का के ऊपर आक्रमण करके जीता लेकिन मक्का के ऊपर आक्रमण करके इन्होंने जीता है करके जीता मक्का को जीत लिया मदीना चले गए थे और फिर इसीलिए मक्का से मदीना इस्लाम की धरती कहा जाता है मक्का से मदीना इस्लाम की धरती कहा जाता है इसी के कारण ठीक है मोहम्मद साहब के कारण उसके अलावा पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में आपने एक नाम सुना है क्या तीन चार बातें कही है, बाते हैं चार बातें आपने एक नाम सुना है सरय कितने लोग जानते हैं सरयत क्या होता है बड़ा हवा फैला सरयत ये को दियो। इस, इस इस्लाम इस ने इस्लाम के लोगों ने जो सरयत को जानता होगा ना उसे रत्ती भर वो सरियत के बारे में यदि उसको रियली पता होगा तो वो धर्म को समझेगा और पैगम्बर मोहम्मद साहब को समझेगा और सरयत को इतना तरीके से समझेगा लेकिन वो सरियत नहीं जानने वाले लोग को जाहिर लोग हैं जो इस्लाम धर्म के ही हैं और वो बस आलतू फालतू बातें सरयत को लेकर करते रहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब ने चार बातें कहा है ना कहा कुरान हदीस चार चीजें कहा पहला बात कहा कुरान, ना कुरान। दूसरा हदीस, हदीस, है ना तीसरा इजमा सुनो ध्यान से ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में इजमा और चौथा क्या है जानते हैं चौथा क्या है इजमा हदीस और उसके बाद चौथा है कयास है ना चौथा है कयास है ना कयास कयास ध्यान दीजिए पहला क्या है इसका मतलब क्या होता है कुरान का मतलब कुरान का मतलब अल्लाह की वाणी जो कुरान में लिखा है वो कहा कि अल्लाह ने हमको बताया है अल्लाह की वाणी है ना अल्लाह की वाणी दूसरा हदीस हदीस का मतलब हो ये होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने सर तब मक्का में कौन लोग थे जहां पर ये आक्रमण करते जुडाइजम धर्म के लोग जुडाइजम धर्म के लोग जिसके गुरु अब्राहम हुआ करते थे कहा जाता है कि इस्लाम का ही यह हिस्सा है जुडाइजम और इसको क्या क्या कहा कहा जाता जाता है है जुडाइज इसके गुरु अब्राहम होते हैं आपने येदी सुना है ना ये लोग इस धर्म से संबंधित होते हैं मैं आपको बता दू ये लोग इस धर्म से संबंधित होते हैं यू नो अबाउट इट आप जानते हैं या नहीं जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री जो लोग पढ़ेंगे उनको जानकारी होगी बस एक बात समझ ली कि इस्लाम धर्म के पहले भी एक धर्म था जुडाइजम अभी भी उसके समर्थक लोग हैं जिसके गुरु जैसे इसके गुरु पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वैसे ही उसके गुरु अब्राहम हैं अब्राहम ठीक है उनके ऊपर हदीस ये पैगंबर मोहम्मद साहब के बचन है पैगंबर मोहम्मद साहब के बचन पैगंबर मोहम्मद साहब के बचन मोहम्मद साहब के बचन साहब के वचन और ये इजमा न्याय सिद्धांत होता है न्याय सिद्धांत लिख लो न्याय सिद्धांत होता है मेरे दोस्त और ये जो होता है कयास ये होता है तर्क वितर्क तर्क वितर्क और इन सब को जोड़ने के बाद जो बनता है ये सारों को जोड़ दीजिए ना भाई इन सब को जोड़ दीजिएगा ये जितना पैगंबर मोहम्मद साहब के बचन है इनको जब आप जोड़ दीजिएगा तो यही बन जाता है सरयत क्या बन जाता है दोस्त क्या बन जाता है जल्दी बताओ तो ये बन जाता है सरियत ध्यान रखिएगा सरियत सरियत यानी जिस सरियत की आप बात कर रहे होते हैं ये इन चारों को जोड़ने के बाद यह सरियत बनता है नारी 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 है ना तो बुक का भी मत लीजिए सुगन जी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इट इज एन फॉर यू ठीक है ना इट इज एन फॉर यू कोई बुक लेने की जरूरत नहीं आप मेरे क्लास को पूरा ध्यान से करिए उसके बाद बुक वगैरह की हम बात करेंगे ठीक है ना इसको क्या कहते हैं सरियत क्लियर हो गया चलिए सब लोग का क्लियर हो गया इतना लिख लिए जल्दी बताइए लिख लिए तो फटाफट लिख लिए तो जल्दी बताइए कंप्लीट लिख लिया है आपने तो जल्दी बताइए अभी बुक कोई नहीं लेगा चुपचाप पढ़ना है आपको कहीं भी डाउट होगा इसका टेलीग्राम पे मैं कॉपी भेज दूंगा डाउट होगा आप, आप क्वेश्चन पूछ लिया करिए सर चलिए समझ में आ रहा है ना कोई समझने में यू एनी इशू इन क्लास कोई भी समझने में इशू आ रहा है क्या मैंने जिस हायरार्की से पढ़ाया है आपने इसको समझा है या नहीं समझा ये बताइए पहले सबको समझ में आया है किसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए सुगन कुमारी प्रतिमा कुमारी सपना और जो लोग हैं सभी लोग फटाफट बताइए कोई डाउट है तो एक बार बताइए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे समझ गए सर बताएं इसकी गुप्ता समझ गए सर सब लोग समझ गए चलिए अब आइए ये हो गया यहां तक क्लियर हो गया सरियत होता है दोस्तों अभी हम भारत पे बात कर रहे थे कि भारत में सबसे पहले कब आक्रमण हुआ था अब आ जाइए इसके अलावा इस्लाम से ज्यादा नहीं जानेंगे सीधे आ जाएंगे भारत पर मैंने कहा भाइयों भारत पर 712 ईसवी में अटैक हुआ तो भारत पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण मुस्लिम धीरे-धीरे बढ़ने लग गए तो मजे की बात है सुनो मजे की बात यह है पहले हम मैप बना के आपको दिखाएंगे कि कहां पे हुआ ये अरेबियन है, ये सी है। उसके बाद ये अमेरिका में गया। पहुंचा पहले देखो कैसे इस्लाम फैला है ऐसे, ऐसे 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 आते हुए तब भारत पहुंचा है यानी इस्लाम डायरेक्ट नहीं आया है नहीं तो छे सौ दस ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये तुरंत छे के बाद आ जाता भारत में लेकिन अरेबियन सी से ऐसे होते हुए यहां भारत में पहुंचा है यानी एक लंबा जर्नी करके भारत में पहुंचा इस्लाम सारा जगह से होते हुए इस दरमियान इस्लाम का जो प्रमुख होता था इस्लाम का प्रमुख जो होता था उसको बोलते थे क्या जानते हैं इस्लाम का प्रमुख इस्लाम का राजनीतिक क्वेश्चन आता है इस्लाम का राजनैतिक और धार्मिक राजनीतिक प्लस धार्मिक के दोनों प्रमुख कौन होता था जानते हैं कौन धार्मिक खलीफा खलीफा होता था खलीफा है ना यही तय करता था कि इस्लाम के कौन कहां जाएगा कौन कहां नहीं जाएगा इस खलीफा ने डिसाइड किया कि भारत जैसे जगह पर यानी यह भारत जो है यहाँ पे इस्लाम को फैलाना बहुत जरूरी है तो इसने 712 सौ ईस्वी से पहले मेरे दोस्तों दो लोगों को भेजा था एक था उबदेल्लाह है ना सात सौ ईस्वी से पहले 711 और 710 में दो लोगों को भेजा था एक था उबैदुल्लाह है ना उबैदुल्लाह ध्यान रखिएगा अलहजाज उस वक्त का खलीफा कौन था व्यक्ति खलीफा होता था, के मरने एक एक होता था खलीफा. और ये खलीफा ही क्या क्या आक्रमण करेंगे और कैसे इस्लाम को गवर्न करना है कैसे इस्लाम को चलाना है जैसा हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं पंडित जी बताते रहते हैं ना हाउ टू हैंडल योर इश्यूज हाउ टू हैंडल योर रिलीजन सिस्टम तो अब पंडित जी अलग होते हैं राजा अलग होता था अप, अपने राजा में यहां वो बात नहीं था यहां था कि राजा भी यही है पंडित भी यही है सात सौ ग्यारह ईस्वी में भेजा भारत में सात सौ बारह ईस्वी में और ये आकर अटैक किया कहां पे, सिंध, पे. सिंध का ये जगह था दोस्तों ये सिंध का जगह था सिंध पर अटैक किया है ना सिंध पर अटैक किया लेकिन सिंध पे हार के चला गया सीन पर अटैक किया और ये हार कर चला गया इसलिए इसका नाम किसी भी किताब में रेयर एंड रेयर मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा इसलिए इसकी चर्चा इसलिए उस वक्त के बड़े चलाक लोग थे यदि आप जीत गए तो वाह वाह नहीं जीते तो फिर आपका नाम ही खत्म इसके बाद एक बड़ा ही काबिल लड़का हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर नजर गया का और और मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा भेजा इसको 712 स्पी में, 712 स्पी में में है ना पे सिंध पर अटैक करने के लिए दोस्तों यह 712 सौ ईस्वी में आता है और सिंध पर अटैक करता है और जब अटैक करता है तो यहाँ का एक ब्राह्मण राजा रहता है पंडित है ना कौन राजा रहता है ब्राह्मण राजा और कौन है वो दाहिर कौन है दाहिर यहां का राजा जो ब्राह्मण है दाहिर और मजे की बात है दोस्तों यहाँ पे ये है यहाँ पे इसका भाई निरून है यहाँ पे इसकी बेटियां हैं है ना दोनों बेटियां हैं इस तरीके से लेकिन जब ये मोहम्मद बिन कासिम जिसको मोहम्मद बिन साम कहते हैं यदि मोहम्मद बिन कासिम जब इसको अटैक करता है सिंध पर तब ये अपने भाइयों से अपनी बेटियों से मदद नहीं मांगता है अकेले सिंध का शासक दाहिर लड़ने चला जाता है और मजे की बात है मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है दाहिर हार जाता है ध्यान से कहानी को सुनना मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है दाहिर इस युद्ध को हार जाता है यानी इस्लाम एंट्री कर गया है भारत में 712 ईसवी मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया है और देखिए मूर्खता उस वक्त भारतीयों में क्या थी कि जैसे मान लीजिए बगल वाला लड़ रहा है तो आप सपोर्ट करिए बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो आप सपोर्ट करिए नहीं इसके बगल में ही इसका भाई है इसका भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले मोहम्मद बिन कासिम इनको हराता है फिर इनके भाई को हराता है फिर इनकी बेटियों को हराता है फिर इनकी दोनों बेटियां सूर्य कुमारी और परमल कुमारी इन दोनों को हरा देता है मेरे भाई इन पूरे इलाका पे किसका वर्चस्व बर्च, हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का अब इस्लाम अपना पैर को स्टेबल कर चुका है भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने एक बड़े हिस्से पर अपने वर्चस्व को कायम कर लिया है दोस्तों कोई नहीं पूछता है और मोहम्मद बिन कासिम खूब खुश है कि अब हम जाएंगे और अपने खलीफा से बताएंगे कि हमने भारत में आपने हमें भेजा था हम आकर यहां पे चार को, हरा एक बड़ा को जीत लिया है मैंने और खूब खुश हो जाएंगे तभी भारत के लोग बड़े ईमानदार होते हैं आप जानते हैं और भारत के लोगों की ईमानदारी का कारण होता है जब इनके साथ कुछ गलत होता है तो ये कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है ऊपर वाला करेगा दोस्तों ये लोग ये कह रहे थे कि इसने हमारे ऊपर आक्रमण किया है ऊपर वाला देख रहा है इसका कल्याण ऊपर वाला करेगा और ये हालांकि ये बात ठीक है नहीं ऊपर वाला ने यदि आपको ताकत दिया है तो आपको खुद से लड़ना चाहिए लेकिन ऊपर वाला भी भारतीयों का सुनता जरूर है दोस्तों ये सूर्य कुमारी और परमल कुमारी बहुत ही खूबसूरत लड़कियां पंडित राजा की लड़कियां रहती है इनको लेकर मोहम्मद बिन कासिम

कि मैं खलीफा को दूंगा खलीफा तक पहुंचाऊंगा ब्राह्मण की लड़कियां भारत की लड़कियां और भारत के लोग कह रहे हैं कि ऊपर वाला देख रहा है वही इसका न्याय करेगा वही इसका न्याय करेगा ऊपर वाला देख रहा चल देते हैं ये हजूर और ये दोनों ब्राह्मण की लड़कियां राजा की लड़कियां दिमाग पूरा लगाते और इनको भी था कि इसके पापा चाचा दोनों को मारे हैं कैसे हम इनका बदला लें इसके मन में ये ताप चल रहा था ये रास्ते में जाते वक्त प्लान करती हैं कि हम अलहजाज के सामने जाएंगे और जाकर अब अपना नया प्रोपोगंडा रचेंगे मोहम्मद बिन कासिम खूब खुश है इन दोनों को लेकर जा रहा है और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम अलहजाज के सामने इन दोनों को लेकर गया इन दोनों लड़कियों ने कहा हुजूर माई बाप सरकार जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने बताया कि खलीफा के पास जाना है हमने मन से पति मान लिया था आपको हमारे हिंदू धर्म में एक ही पति होते हैं हमने मन से आपको पति मान लिया था मैंने मोहम्मद बिन कासिम को रास्ते में कहा भी कि मैंने मन से अलहजाज को पति मान लिया है लेकिन इसने रुका नहीं और हम सबके साथ बदतमीजी किया है हम सबकी इज्ज़तों के साथ खेला है यह और रोने लगी खूब अलहजाज को गुस्सा आया और कहा कि इसकी इतनी हिम्मत जब इन लोगों ने कह दिया कि मैंने मन से पति मान लिया है अलहजाज को खलीफा को तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इनके साथ मदतमीजी किए हो उन्होंने कहा बुलाओ अरबी घोरा बांधो इसके पीछे मोहम्मद बिन कासिम को और दौड़ाओ जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए है ना और अरबी घोरा को बुलाया गया मोहम्मद बिन कासिम को उसके पीछे बांध दिया गया और वो घोड़े दौड़ते रह गए जब तक मोहम्मद बिन कासिम मरा नहीं तब तक घोड़े दौड़ते रह गए और इन दोनों लड़कियों ने अपनी भात की प्रतिष्ठा भी बचा लिया लाज भी बचा लिया होता है ऊपर वाले के डंडे में जब ला डा चलता है तो आवाज नहीं होता है और यह भी कही कि भारत के लोग कहते हैं सही में देख रहा हो और ऊपर वाले ने इसका काम कर दिया और बाद में ये दोनों लड़कियां अपनी भारत की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए स्वाभिमान को बचाने के लिए जहर खाकर मर गई अलहजाज के साथ शादी भी नहीं की ये होता है भारत की प्रतिष्ठा ये बचाई है हमारी भारत की प्रतिष्ठा इसीलिए कहते हैं कि भारत का जो गौरव गौरव है वो आज से नहीं बहुत पहले से ऊंचा रहा है अब सभी लोग बताइए स्टोरी कैसा लगा कहानी समझ में आया अब आप भूलेंगे कभी भूलिएगा जल्दी बताइए फटाफट बताइए जल्दी अच्छा लगा भूलिएगा आज के बाद यस और नो ऐसा ही सेशन को ले चला जाए ना अब कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, वो लिखवा देते हैं अब इसे कुमार कुमारी सपना सुगन कुमारी प्रतिमा कुमारी सबको बहुत शानदार इसी तरीके से आपकी क्लास चलेगी इफ यू रेडी इफ यू लाइक इट तो हम लोग इसी एक बार समझा दिया जाए सर सुगन कुमारी क्या समझा दिया जाए बताइए हमने तो समझा ही दिया ऑलमोस्ट भारती झा भारती जी बोलिए क्या कहना चाह रही हैं आप समझ में आया पूरा क्लास अगंध जी आप बताइए क्या समझाना है हम आपको समझा देते हैं सुगंध कुमारी कह रहे हैं फिर से ठीक है फिर से बता देंगे और कोई दस बार पूछेगा दस बार बताएंगे समझ में आना जरूरी है बताइए जल्दी बताइए भारती जी ठीक समझ में आया भारती जहाँ इस्लाम के बारे में ठीक है सुगन जी वो बता देंगे सुगन कुमारी सर बताइए सुगन जी बताइए सर यस सर समझा समझ में आ गया बहुत बढ़िया आज तक आपने ऐसे स्टोरी से पढ़ा था यस और नो चलिए इस्लाम के बारे में जानना चाहती हैं तो हम इनको इस्लाम के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं निश्चिंत रहिए है। हम छोड़ेंगे नहीं भाई चलिए चलिए इस्लाम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता हैं बाकी कल ठीक है ना देखिए इस्लाम की शुरुआत हुई कहां से मेरे भाइयों इस्लाम धर्म का शुरुआत कहां से हुआ है तो लगभग अरब से हुआ है मैंने बताया कि मक्का से हुआ है मक्का से मदीना ये बताया मैंने उसके बाद ये है इस्लाम भाइयों दोस्तों यारो इस्लाम का शुरुआत सबसे पहले भारत में पहला अटैक सात सौ ग्यारह ईस्वी में उबैदुल्लाह करता है जो असफल रहता है दूसरा अटैक मोहम्मद बिन कासिम करता है जो सफल रहता है और मोहम्मद बिन कासिम इत, इस तरीके से अटैक करता है कि लगभग तीन जगह पर इसको आप लोग लिख लीजिएगा पहले सिंध पर करता है फिर सिंध के बगल में ही निरून पे करता है उसके बाद इन दोनों क्षेत्रों पे करता है जो गुजरात के साइड पे होते हैं और इन सबको जीत लेता है ना हाँ, है ना हाँ सुलेमान के ऑर्डर पर नहीं बिल्कुल अलहजाज खलीफा के आदेश पर ही हुआ था बिल्कुल प्रतिमा जी एग्जैक्टली सही बात है है ना और ये जीत लेता है और जीत कर लेकर जाता है खलीफा के पास हालांकि इससे क्वेश्चन दो तीन जगह ही आता है एक की सबसे पहले अटैक किसने किया था तो सात सौ बारह है ना ये और जब यह अटैक कर रहा था तो बिहार का शासक सिंध का शासक कौन था दाहिर दो ही प्रश्न आता है इससे ज्यादा ज्यादा प्रश्न आता नहीं है ध्यान रखिएगा बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना बहुत दिमाग नहीं लगाना ठीक है ना सुगन जी इससे ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं आता है बाकी जो स्टोरी बताया वो मैंने आपको याद होने के लिए बताया है अब इसके बाद इस्लाम का नामो निशान कुछ दिन तक भारत में मिट जाएगा और फिर एकाएक एक हजार इस के आसपास इस्लाम फिर दोबारा पनपेगा जब गजनी आएगा उसको हम पढ़ाएंगे ठीक है बाकी लगभग बाक, लगभग बाक, हमने पूरा स्टोरी बता दिया पूरा समझा दिया है किसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए नहीं तो आज के क्लास को हम लोग यही रोकेंगे और फिर हम लोग कल इसका कल हम लोग मिलेंगे ठीक है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ठीक है समझ आ गया तो सबको धन्यवाद हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए है ना और जो भी आपके सुझाव हो यदि आपको कुछ पूछना होगा तो क्वेश्चन तैयार रखिएगा हम हर क्लास के लास्ट के दस मिनट में हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे निश्चिंत रहिएगा और सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा तो चलिए थैंक यू फिर मिलते हैं कल हाँ जजिया कर कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था कल लिखवाएंगे सबसे पहले पूरे दुनिया में जजिया कर स्टार्ट करने वाले का नाम मोहम्मद बिन कासिम है ये सब हम कल लिखवा देंगे ठीक है ना हाँ कल का टाइमिंग मेरे भाइयों सर क्लास यही टाइम पर रहेगा हाँ क्लास का टाइम यही रहेगा टेलीग्राम बैन अभी से जी नहीं हुआ है कहा इतना चिंता करते हैं है ना टेलीग्राम अभी बैन नहीं हुआ है जब होगा तो देखा जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया जाएगा है ना और मेरा टाइम यही रहेगा छह से सात ग्रुप में आपको हर चीज इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है कि कब क्लास होगा कब नहीं होगा कब कैसे होगा ये सारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे कल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद